पिंकी चौधरी जो कि आरोपी है जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण, उसने सरेंडर कर दिया है पुलिस को, मंदिर मार्ग थाने में सरेंडर किया है उसने जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण देने का। पिंकी चौधरी पर यह आरोप लगा था, हिंदू रक्षा दल से है पिंकी चौधरी और अब उसने पुलिस में सरेंडर कर दिया है खुद को। न्यूज 18 के दीपक मिश्र की खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं, दिल्ली में पिंकी चौधरी का सरेंडर हो गया है। मंदिर मार्ग थाने में उसने खुद को सरेंडर किया, जहां जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण देने का पिंकी चौधरी पर इससे पहले आरोप लगा हुआ था। हिंदू रक्षा दल से है पिंकी चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 के दीपक मिश्र की खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोपी पिंकी चौधरी ने खुद को सरेंडर कर दिया है। मंदिर मार्ग थाने में उसने खुद को सरेंडर किया है। जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण देने का उस पर पहले आरोप लगा था और हिंदू रक्षा दल से पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल का सदस्य है और अब फिलहाल उसने खुद को सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, दिल्ली में पिंकी चौधरी का सरेंडर हो गया है। मंदिर मार्ग थाने में उसने खुद को सरेंडर किया है। इससे पहले जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण देने का पिंकी चौधरी पर आरोप भी लगा था। और दीपक बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, और क्या जानकारी आ रही है सामने? देखिए, पिंकी चौधरी काफी समय से फरार चल रहा था और दिल्ली पुलिस कई टीम है उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। बीती रात को जब एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम से, पिंकी चौधरी ने उसमें खुद कहा था कि वो दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में या मंदिर मार्ग थाने में सरेंडर करने जाएंगे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगी थी। लेकिन आज खुद न्यूज 18 इंडिया ने जब इंटरव्यू लिया था तो पिंकी चौधरी ने कहा था कि वो आज सरेंडर करेंगे। उन्होंने जो उस वक्त भड़काऊ भाषण दिया था जंतर मंतर में, जो 8 अगस्त को एक आंदोलन एक कार्यक्रम के तहत दिया गया था, तो उस वक्त जो भाषण दिया था उसने वो सही दिया था। उसने अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मानी और इसको लेकर उसने चैलेंज किया था कि अगर वो जेल जाता है उसके बाद छूटता है तो फिर वो अपने उसी काम को करेगा, यानी उसने कोई गलती नहीं की थी। और इसको लेकर दिल्ली पुलिस इससे पहले 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पूरे इस मामले में, जिसमें एक जो एडवोकेट है अश्विनी उपाध्याय उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अब पिंकी चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सबसे अहम चीज यही है कि आज पिंकी चौधरी जब मंदिर मार्ग थाने में सरेंडर करने पहुंचा था तो वहां पर उसके समर्थकों का काफी जमावड़ा देखा गया था, जिसके बाद समर्थकों की मौजूदगी में उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। अब पुलिस इसमें पूरे मामले में गिरफ्तारी की जो कार्रवाई है वो कर रही है। वीडियो पहले जारी किया गया और उसके बाद खुद को सरेंडर कर दिया पिंकी चौधरी ने और जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है पिंकी चौधरी पर। और अफगानिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर